तो डिक्शनरी का मतलब क्या है कि सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर आपने कोई डेटा रख दिया और जिसको जरूरत पड़ रही है वो सेंट्रलाइज लोकेशन डेटा ले रहा है। और हॉस्पिटल के अंदर चूंकि ये चीज इंप्लीमेंटेड है तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल दी कि एक डेटाबेस के अंदर जो है सारी चीजें होती हैं, सारे पेशेंट का रिकॉर्ड होता है और वो जो है इसको एक्सेस किया जा सकता है। इस चीज को हम कहते हैं डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरीज। यूज केस डायग्राम, यूज केस डायग्राम, यूज केसेस एक्टर ये ऊपर बना हुआ है। यूज केस डायग्राम ये ऊपर बनी हुई है, यूज केस डायग्राम है और इसके अंदर जो है केसेस डिफाइन दिखाए गए हैं कौन कौन से केसेस हैं और एक्टर्स डिफाइन गए, ये बाहर वाले एक्टर्स हैं, नर्स पे फिजिशियन ये एक्टर्स हैं। तो ये इनके जरिए से जो है दिखाया जाता है कि कौन सा कॉम्पोनेंट जो है वो किसके साथ, कौन सा एक्टर किस कंपोनेंट के साथ सॉफ्टवेयर के जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये दीज आर द यूज केस डायग्राम्स, इनके जरिए जो है ये चीजें दिखाई जाती है। चाहिए लास्ट स्लाइड है, इसको देख लेते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स जो है वो आपको मतलब अवेलेबल है, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिसके जरिए से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इसमें एक वाटरफॉल मॉडल है, एक एवोल्यूशनरी मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, ओपन सोर्स डेवलपमेंट, एजाइल है, हाइब्रिड प्रोसेसेस मॉडल है, ये सारे मॉडल है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हो। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, वाटरफॉल का मतलब क्या होता है, आबशार। ठीक है, आबशार जो है जाहिर आपको पता है ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। तो इस तरह से ये देखो, ये वाटरफॉल मॉडल को यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर कोई डिजाइन करना है और प्रोसेस आप वाटरफॉल वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको ये सिलेक्शन ये चीज करनी पड़ेगी कि पहले क्या है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन पे रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, फिर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, ठीक है जो डिजाइनिंग का पार्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ वो करोगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करोगे और यूनिट टेस्टिंग करोगे। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है, पूरा एक एक यूनिट बनाते जाओगे उसको टेस्ट करते जाओगे, एक एक यूनिट बनाते जाओगे टेस्ट करते जाओगे। तो आपने एक यूनिट बनाया उसको टेस्ट किया तो ये होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। फिर अगले स्टेप पे क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, कि वो यूनिट तो टेस्ट हो गया लेकिन वो यूनिट जब आप सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करोगे तो आप वो पूरे सिस्टम के अंदर कैसे काम कर रहा है, पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उस यूनिट वो यूनिट सही तरह से इंटीग्रेट हुआ है पूरे सिस्टम में कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। और आखिर में क्या है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस आखिर में। अच्छा आप देखो हर ये जो है ये भी वही मॉडल है, इस मॉडल को अगर आप देखोगे तो इस मॉडल के जरिए से आप इस मॉडल के जरिए बैकवर्ड पे जा सकते हो किसी कहीं से भी। या आपने देखा मैं मेंटेनेंस की, आपने कहा मेंटेनेंस के लिए मुझे यहाँ मसला है कि भाई इंटीग्रेशन सही नहीं हो रही, सही हुई तो आप ये मॉड्यूल सही करोगे, या पीछे जाके आप देखोगे कि इम्प्लीमेंटेशन जो है यूनिट टेस्टिंग की सही नहीं हुई तो यहाँ जाके भी आप दोबारा पीछे जाके चेक कर सकते हो। सिस्टम डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है तो पीछे जाके ये भी चेक कर सकते हो। तो होता क्या है कि पहले आप ये इस तरीके से आप वन बाय वन एक एक काम करोगे और इस तरह से सॉफ्टवेयर आपका जो है चलेगा, इसको हम कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। यहाँ वाटरफॉल मॉडल में ये लिखा है कि सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, तो अलग अलग फेजेस हैं और अलग अलग फेजेस के अंदर जो है अलग अलग काम हो रहा है और वो काम जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसे मॉडल को कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में कोई क्वेश्चन है, तो वाटरफॉल मॉडल का फायदा ये है कि आप जो है ना आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत रिलायबल होता है और उसके अंदर एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि आप हर तरीके से सॉफ्टवेयर की इस बात की श्योरिटी कर रहे होते हैं कि हर तरीके से सॉफ्टवेयर जो है परफेक्ट है। यूनिट टेस्टिंग भी कर रहे हो और जब इंटीग्रेट कर दिया तब भी टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर फायदा ये ज्यादा बहुत रिलायबल सॉफ्टवेयर बनता है। लेकिन जाहिर है इसमें टाइम लग जाता है, अगर कोई कोई चीज़ आप वाटरफॉल मॉडल से बनाओगे तो टाइम लग जाएगा क्योंकि आपको सारे फेजेस से आप गुजरोगे इसकी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए, टाइम लग जाएगा। तो टाइम टेकिंग है ये वाटरफॉल मॉडल, टाइम टेकिंग है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना,
बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े सॉफ्टवेयर अगर बनाने हो तो वो यही मॉडल फॉलो करते हैं, वाटरफॉल। पर ये इंक्रीमेंटल मॉडल क्या जैसे अभी आऊंगा इस पे, अभी तो मैंने वाटरफॉल बताया, वाटरफॉल पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अब अगला आता है एवोल्यूशनरी मॉडल। एवोल्यूशन मॉडल क्या है कि देखो यहां पर इसकी डायग्राम दिखाई गई है, ये एवोल्यूशन मॉडल है। ये इसमें आप क्या करते हो, आप उसके अंदर शुरू से ही, यानी कि आपने, आप जैसे कहते हो ना, जैसे आपने शुरू में ही कुछ चीजें मिली, कुछ चीजें आपको मिली उस इनिशियल वर्जन बनाया, यानी कि कुछ चीजें आपको मिली, आपने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। अभी आपने पूरी रिक्वायरमेंट्स ली नहीं है, थोड़ी रिक्वायरमेंट्स आपको मिली है कि क्या बनाना है, और वो आपने बनाना शुरू कर दिया। साथ साथ रिक्वायरमेंट्स भी लेते जा रहे हो, साथ साथ बनाते भी जा रहे हो, तो जब साथ साथ बनाते जाओगे तो सॉफ्टवेयर बनता जाएगा। आप कस्टमर को दिखाओगे कि भाई आपने आपने ये जो जो चीज चाह रहे हो वो मैंने बनाता जा रहा हूँ, आप देखते जाओ। एक एक महीने बाद आपने दिखाएगा कि वो सही बन रहा है, वो कहेगा हाँ सही, वो कहेगा नहीं कुछ कमी है, तो आप फिर दोबारा उन कमियों को सही करोगे, फिर दिखाओगे उसको, तो एक इनिशियल वर्जन हो जाएगा। फिर जब आप उसको फिर आप, यानी कि होगा कि आप फिर आप डेवलपमेंट करोगे, फिर वैलिडेशन करोगे, तो तीन तरह के वर्जन बन जाएंगे, इनिशियल वर्जन, इंटरमीडिएट वर्जन, और फिर फाइनल वर्जन। तो होगा क्या कि आप सॉफ्टवेयर बनाते जा रहे हो, दिखाते जा रहे हो, और मुख्तलिफ वर्जन देते जा रहे हो, वर्जन 1 देखो, वर्जन 2 देखो, वर्जन 3 देखो। तो क्लाइंट जो है ना, वो इसमें इसलिए खुश होता है कि वो क्लाइंट कहता है कि यार कुछ ना कुछ चीजें बन रही हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में होता क्या है कि आप कहोगे मैं जो डिलीवरी दूंगा भाई 1 साल के बाद, 1 साल के बाद डिलीवरी दूंगा। अब 1 साल तक तो कस्टमर तो वेट ही करता रहेगा ना, उसको तो पता ही नहीं है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, और हो सकता है 1 साल गुजरने के बाद जो है वो आप उसको, जब आप उसको मतलब 1 साल तक वो जो है वो समझो अनसेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि उसको पास कोई चीज आ तो नहीं रही, डिलीवर तो आपने कुछ किया नहीं उसको। लेकिन एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल का फायदा ये है कि आप साथ साथ स्पेसिफिकेशन ले, डेवलपमेंट ली, वैलिडेशन की, यानी कि स्पेसिफिकेशन ली, डेवलप किया, वैलिडेशन की, बनाया, पहला 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 इनिशियल वर्जन दे दिया, उन्होंने फीडबैक दिया कि और ये सही है, आप ये चीजें भी चाहिए, उस फीडबैक को लेके फिर आपने दोबारा से उसको स्पेसिफिकेशन लिख के डेवलपमेंट किया, फिर दोबारा वैलिडेट किया, फिर आपने दूसरा वर्जन दिया इंटरमीडिएट वर्जन, फिर उन्होंने फीडबैक दिया कि सही है या कुछ कमियां हैं खामियां हैं वो बताएंगे। इस तरह से आप ये बहुत सारे वर्जन बनेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। लेकिन इसमें कस्टमर इसलिए हैप्पी होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के अंदर। लेकिन ये इतना ज्यादा जो है ना, मतलब यूँ समझ लो इसमें परफेक्शन होती नहीं है, जो परफेक्शन इसमें है ना वाटरफॉल में, वो इसमें कम होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि आप बनाते जा रहे हो, प्रोवाइड करते जा रहे हो, आप पूरे पूरे प्रोजेक्ट को एक निगाह में देख नहीं रहे हो, तो उसमें बग्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। बग्स कौन से? लॉजिकल बग्स। ठीक है, जो बड़ा अगर प्रोजेक्ट है, और बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल से बना रहे हो तो इसके अंदर बग्स आने के चांसेस हैं। छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो सही है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, जैसे कोई इम्तियाज सुपर स्टोर का बनाना है, या छोटा सा कोई स्टोर है उसका बनाना है, ठीक है, कोई छोटे सॉफ्टवेयर के लिए तो सही है। लेकिन अगर आपको कोई रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाना है, या जो है जैसे नाजरा का डेटाबेस है, या कोई बड़े पैमाने पे, तो वहां पर ये मॉडल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मतलब डिपेंड करता है कौन सा मॉडल आप कहाँ, कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो। तो ये बात थी एवोल्यूशनरी मॉडल के हवाले से। अच्छा, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है? इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है? प्रोटोटाइपिंग, एवोल्यूशनरी वर्सेस थ्रू अवे। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल ये है कि आपने कहा कि मैं आपको, आपने अपने कस्टमर से बात की, क्लाइंट से बात की, कि मैं, आपने कहा कि आप सॉफ्टवेयर जो आप देंगे क्लाइंट को वो मल्टीपल स्टेप्स में देंगे, और पहले स्टेप के अंदर आपको ये पहला मॉड्यूल मिल जाएगा जिसके अंदर ये चीजें होंगी, दूसरे स्टेप के अंदर आपको ये मॉड्यूल की ये चीजें आपको मिल जाएंगी, तीसरे स्टेप में आपको मॉड्यूल की ये चीजें होंगी। लेकिन जो पहला स्टेप आप दोगे ना वो कंप्लीट करके दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे अभी आधा बना है, या ऐसा ऐसा नहीं, कंप्लीट करके दोगे। फिर दूसरा स्टेप आप दोगे वो भी कंप्लीट करके दोगे, तीसरा आप मॉड्यूल दोगे वो भी कंप्लीट करके दोगे, यानी कि हर मॉड्यूल जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल होगा। उसमें मॉड्यूल 2 के अंदर मॉड्यूल 1 की चीजें भी होंगी, इस तरह मॉड्यूल 3 दोगे तो उसके अंदर मॉड्यूल 2 भी होगा, मॉड्यूल 1 भी होगा। हर नया चीज जो है ना एक नया वर्जन होगा, और उस नए वर्जन के अंदर इंक्रीमेंट होगा एक नए मॉड्यूल का।
इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। ये ज्यादा अच्छा है एवोल्यूशनरी से अच्छा है, क्योंकि एवोल्यूशनरी के अंदर आप बताते नहीं हो, आप डीलिंग नहीं करते हो कस्टमर के साथ कि आपको मैं पहला मॉड्यूल इतने वक्त में दूंगा, दूसरा मॉड्यूल इतने वक्त में, या आप डीलिंग नहीं करते हो। आप कहते हो बनाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा आपको, और आप बताते रहना क्या क्या चीजें चाहिए। एवोल्यूशनरी का मतलब ये होता है। इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर आप बकायदा एग्रीमेंट करते हो कि भाई पहला मॉड्यूल आपको मैं इतने अरसे में दूंगा, उसका इंक्रीमेंटल मॉडल आपको इंक्रीमेंट करके दूसरा मॉड्यूल आपको मैं इतने अरसे में दूंगा, उसमें इंक्रीमेंट करके तीसरा मॉड्यूल मैं आपको इतने अरसे में दूंगा। तो उससे फायदा ये होता है कि कस्टमर जो है ना, वो उसको रिलायबल चीज भी मिलती है, और जो है ना वो जो है ना, फिर वो हर हर नया वर्जन जो है उसकी वो पेमेंट अलग से करता है। यानी कि पहले मॉड्यूल वन मिल गया तो उसकी पेमेंट कर देगा, फिर मॉड्यूल टू मिल गया उसकी पेमेंट कर देगा, तो हर मॉड्यूल की पेमेंट जो है फिर वो अलग से करता है। अच्छा फिर ये देखें ओपन सोर्स डेवलपमेंट। ओपन सोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये आपने देखा होगा आजकल तो ये बहुत चल रहा है कि आपने जो है ना किसी ने प्रोजेक्ट रख दिया ओपन सोर्स, और लोगों ने जो है, लोगों ने कहा कि भाई मैं इसको बना दूंगा इस प्रोजेक्ट को, लोगों ने अपने कहा कि भाई मैं इसको, जो जो लोग बनाना चाहें उनको फिर उनको उनको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, ओपन सोर्स होता है तो उसके जरिए से जो है फायदा ये होता है कि लोग कमा भी लेते हैं। आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपने वो प्रोजेक्ट लग दिया वेब के ऊपर, और 10 तरह की बिट्स आई, किसी ने कहा कि मैं इसको इतने में बना दूंगा, किसी ने कहा मैं इसको इतने में बना दूंगा, आपने देखा कि कम प्राइस के अंदर ज्यादा अच्छा फोन बना सकता है, आपने उसके साथ डील कर लिया और उसको वो प्रोजेक्ट दे दिया, तो इसको कहते हैं ओपन सोर्स डेवलपमेंट। अच्छा, ओपन सोर्स के अंदर जाहिर है फिर वो कोई भी प्रोग्रामर आ सकता है। ठीक है, दुनिया भर से प्रोग्रामर हायर होते हैं, एक ही प्रोजेक्ट है लेकिन प्रोग्रामर दुनिया भर से हायर हो रहे हैं और वो उसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट आपका बनता जा रहा है, इसको कहते हैं ओपन सोर्स डेवलपमेंट। इस तरह से जो है वो अटेंडेंस में एंड में ही आप लिखिएगा चैटिंग के अंदर जिनका अटेंडेंस का इशू है। अच्छा, एजाइल एक्सट्रीम प्रोग्राम, एजाइल प्रोग्रामिंग, एजाइल प्रोग्रामिंग क्या होती है? एजाइल प्रोग्रामिंग भी इस वक्त जो है वो यू समझो एजाइल के अंदर इंक्रीमेंटल भी है, एवोल्यूशनरी भी है, सबको जो है फोकस करके बना दी गई है प्रोग्रामिंग, एजाइल प्रोग्रामिंग। इसका अपना एक स्टाइल है और इसके अंदर फायदा ये है एजाइल प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे लिखा ना एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, यानी कि बहुत जल्दी बन जाता है, रेडीमेड बहुत सारी चीजें बना के रखी हुई होती हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज भी यही करते हैं, रेडीमेड बहुत सारी चीजें बना के रखते हैं। अब जो कोई प्रोजेक्ट उनके पास आता है तो वो शुरू से कोडिंग करने नहीं बैठते, वो सारी रेडीमेड चीजें उठाते हैं और जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो लगाते जाते हैं और इंटीग्रेट करते जाते हैं, तो फायदा ये होता है कि बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो एजाइल प्रैक्टिस यही होता है कि बहुत सारी चीजें रेडीमेड बना के रख लो और वो जनरल हो और वो ऐसी हो कि किसी के साथ भी इंटीग्रेट हो जाए और इससे टाइम बच जाता है, वरना जो जो सॉफ्टवेयर बनने में 1 साल लगना था अब वो सॉफ्टवेयर 2 महीने में बन जाएगा अगर एजाइल प्रोग्रामिंग यूज की गई है। रेडीमेड चीजें अगर आपने कस्टमाइज करके बना के रखी हुई है पहले से, और एजाइल एक टेक्निक है, इसके जरिए से रेडीमेड चीजों को जोड़ा जाता है आपस में और सॉफ्टवेयर को जल्दी से तैयार किया जाता है, तो ये बहुत चल रहा है सॉफ्टवेयर हाउस में आजकल एजाइल प्रोग्रामिंग, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के नाम से। वो रेडीमेड बहुत सारे चीजें बना के रख लेते हैं अपने पास ऑलरेडी। इस तरह से जैसे आप इसकी एग्जांपल ये समझ लो कि आप किसी को सूट खरीदने जाओ, एक तो ये सूट आपने अपना खुद ही सिलवाया, ठीक है, दर्जी से, तो उस पर टाइम लगेगा, दर्जी कहेगा भाई मैं तो 2 हफ्ते लूंगा, 3 हफ्ते लूंगा, 1 महीना लूंगा, क्योंकि वो टाइम इसलिए कह रहा है क्योंकि शुरू से बनाना है उसने। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी आउटलेट पे गए, आपने रेडीमेड सूट देखा, आपको पसंद आया, अब आपने पहन के देखा, आपने कहा भाई कुछ ऑल्टरेशन कर दो इसमें, मैं थोड़ी सी लंबाई ज्यादा है थोड़ी कम कर दो, चौड़ाई ज्यादा है थोड़ी कम कर दो, अब उसमें आपने थोड़ी ऑल्टरेशन कराई और आपका सूट आपका तैयार, तो जाहिर है वो तो 1-2 दिन में 3 दिन में मिल जाएगा आपको, वो पूरा महीना तो महीने का टाइम थोड़ी लेगा। तो एजाइल भी ऐसा ही है कि एजाइल के अंदर ना रेडीमेड चीजें बना के रख लेते हैं, और जब जैसा जैसा कोई प्रोजेक्ट आता है तो देखते हैं कि कौन सी रेडीमेड प्रोडक्ट्स लगाई जा सकती है एक साथ, उसको उठा के जो है वो, तो होता यही है कि बहुत सारी क्लासेस बना के रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है इसमें भी, बहुत सारी क्लासेस बना के रख लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारा रेडीमेड काम करके रख दिया जाता है। और फिर आखिर में है हाइब्रिड प्रोसेस मॉडल। लार्ज सिस्टम आर यूजुअली मेड अप ऑफ सेवरल सब सिस्टम्स, द सेम प्रोसेस मॉडल नीड नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल सब सिस्टम। तो हाइब्रिड प्रोसेस मॉडल के अंदर
ये होता है कि कुछ कुछ आपने मॉडल्स, आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, आपने प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, 5 हिस्सों में तोड़ दिया। आपने कहा पहले हिस्से के ऊपर जो है आप वाटरफॉल मॉडल लगाएंगे, दूसरे हिस्से के ऊपर आप जो है एवोल्यूशन मॉडल लगाएंगे, तीसरे हिस्से पे आपने जो है अजाइल लगा लिया। तो एक आपने क्या किया, आपने एक मॉडल को पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं किया, बल्कि आपने कहा कि जो प्रोजेक्ट को तोड़ा है जो है आपने 4-5 हिस्सों में, एक प्रोजेक्ट के एक 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 पोर्शन को आपने एक मॉडल से बनाया, एक प्रोजेक्ट के दूसरे पोर्शन को आपने दूसरे मॉडल से बनाया। इसको कहते हैं हाइब्रिड प्रोसेस मॉडल, कि मल्टीपल मॉडल्स को आपने मल्टीपल मॉडल्स के जरिए से आपने प्रोजेक्ट को जो है वो हैंडल किया। ये है हाइब्रिड प्रोसेस मॉडल। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है? सर, ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट एक बार रिपीट कर दो। ओपन सोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई प्रोजेक्ट था, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई MIS सिस्टम बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है। अब ये सिस्टम जो है ना, मुझे जाहिर है मैं अब अगर पाकिस्तान में हूँ, अब मैं लोगों को पूछूंगा भाई कौन ये प्रोजेक्ट बनाएगा, मेरे पास आए, मैं उसको जो है मेरे ऑफिस में आए, कोई ऑफिस अरेंज करना, उसका खर्चा अलग है, और प्रोग्राम अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस को देता हूँ तो सॉफ्टवेयर हाउस होना चाहिए पहले से मौजूद। अब एक तरीका क्या है कि इसको मैं जाके ना मुख्तलिफ जो है वेबसाइट पे जाके, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं आजकल, और वो वेबसाइट पे जाके मैंने ये प्रोजेक्ट रख दिया, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट वेबसाइट पे रख दिया। वेबसाइट पे फिर मैंने कहता हूँ लोगों से कौन है जो इस प्रोजेक्ट को बनाएगा, तो लोगों की बिट्स आना शुरू जाती है कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट को बना सकता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को बना सकता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को बना सकता हूँ। तो वो अपने प्राइस भी बता रहे होते हैं कि मैं इतने इतने, ये अपना फॉर्म दे, हम अपने फॉर्म रख देते हैं वेबसाइट पे, फॉर्म फिल करके देते हैं सब। कोई कहता है कि मैं जो है इसको 1 साल में बनाऊंगा, कोई कहता है मैं 5 महीने बनाऊंगा, कोई मैं 6 महीने बनाऊंगा। तो होता क्या है, जब सबकी चीजें सामने आती हैं तो आप फिर आप असाइन कर देते हो कि भाई इसको दे देना चाहिए। तो ये आपने ओपन सोर्स कर दिया। अब ये क्या है, ये इस पे काम कर रहा है, ये इसको बना रहा है, और ये आपके मुल्क में भी नहीं है, बाहर है, लेकिन वेब के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने 2-3-4 लोगों को हायर कर लिया कि तुम पहला मॉड्यूल बनाओ, तुम दूसरा मॉड्यूल बनाओ, तुम तीसरा मॉड्यूल बनाओ, और उनको आपने पेमेंट दे दी, इंटरनेट ऑनलाइन ही पेमेंट आपने कर दी, आपका प्रोजेक्ट बन गया। इसको कहते हैं ओपन सोर्स। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर, यूजर इंटरफेस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है? जी हाँ, यूजर इंटरफेस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी एडवांस हो गई हैं कि वो तो आप देखें ना, जैसे सी शार्प पे आप देखो बड़े बनाए फॉर्म्स हैं, बटन्स हैं, और कॉम्बो बॉक्स हैं, लिस्ट बॉक्स, मतलब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें रेडीमेड करके रख दी गई हैं, तो बहुत जल्दी बन जाता है यूजर इंटरफेस, जैसा चाहिए होता है वैसा जल्दी बन जाता है, कोई आप इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि फॉरन ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लगा सकते हो। ओके सर, ओके। और कोई क्वेश्चन? तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का, इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था ये, ठीक है, और इसके लिए हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब अगले क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है अगली क्लास में पढ़ेंगे, और AI रोबोटिक्स, AI रोबोटिक्स के ये दो चैप्टर हैं तकरीबन। AI का पार्ट तो छोटा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा बड़ा है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम दोनों कंप्लीट करेंगे, और फिर वहीं तक आपका जाहिर कोर्स आउटलाइन भी वहां तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो बाकी यही है कि मैंने जाहिर है जो असाइनमेंट क्विजेस दिए हैं वो मैंने उसी में से दिए जो आपको पढ़ा चुका हूँ, जाहिर है इनमें से तो नहीं है, तो ये आप इसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहो ताकि फाइनल पेपर में आपकी तैयारी रहे।